आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग अपने इस YouTube के लाइव सेशन में करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा, और उसमें टॉपिक होगा बुद्धिज्म बौद्ध धर्म। हर साल आप देखें, बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है ये हमारे लिए, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के लिए। और अब यूपीएससी थोड़ा डीप में जाकर सवाल पूछने लगा है। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कल 6 अक्टूबर से लॉन्च कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की एक सेपरेट बैचेस शुरू हो रही है कल 6 तारीख से, मिशन 2022। जो लोग 2022 में प्लान कर रहे हैं, लक्ष्य 2022, संपूर्ण सामान्य अध्ययन की एक समग्र तैयारी इसमें कराने का प्रावधान है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, सब्सक्राइब करिए, मेरा कोड यूज करिए, डॉक्टर विशाल 10, सब कैपिटल में है, DRVISHAL10, डॉक्टर विशाल 10। और जो कुछ भी डिस्काउंट का ऑफर है वो उठाइए हमारे रिफरल कोड पर, और अपने इस मिशन 2022 के पाथ को एक आसानी से मंजिल की तरफ आगे बढ़ाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, और इस सेक्शन में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट, और वो सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और इस प्राचीन भारत के इतिहास के सेगमेंट में आज हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ प्राचीन भारत की संस्कृति, कला एवं विरासत के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से सवाल चर्चा के दौरान देखेंगे जो पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट तथ्य जो पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं, टॉपिक है हम लोगों का आज का बौद्ध धर्म। सवाल ये उठता है, जो सबसे पहला सवाल उठता है, उठता है कि ये बौद्ध शब्द
आया कहां से? ये बौद्ध शब्द आया है, उत्तर है हमारा बुद्ध शब्द से। अब सवाल उठता है कि इस बुद्ध शब्द का, इस बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है कि जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान, जिसे आप कहते हो नॉलेज, ज्ञान। अब ये ज्ञान प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान किसको मिला है? तो उत्तर मिलता है कि यह ज्ञान एक सिद्धार्थ नाम का लड़का है, उनको मिला है। ये ज्ञान किसको मिला है? ये ज्ञान सिद्धार्थ को मिला है। अब प्रश्न उठता है कि ये सिद्धार्थ कौन है? तो इसका आंसर है कि ये सिद्धार्थ शुद्धोधन और महामाया के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? महामाया और शुद्धोधन के ये पुत्र हैं। अब सवाल उठता है कि ये शुद्धोधन कौन है? तो शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय हैं, माने अगर इनका क्लैन की आप बात करें तो ये शाक्य क्षत्रिय हैं। अगर आप गोत्र की बात करें तो इनका गोत्र गौतम है और ये शुद्धोधन की अगर आप बात करें, एक रिपब्लिक है, उसके राजा हैं। और कहाँ के राजा हैं? कपिल वस्तु के राजा हैं। ठीक। महामाया कौन है?
तो महामाया एक गणराज्य जिसका नाम है कोलिये। आपको मालूम होगा कि 600 ईसा पूर्व बीसी में गंगा घाटी में महाजनपद का उदय हुआ। गंगा घाटी ही क्यों, एक दक्षिण में भी है। 16 महाजनपदों का उदय होता है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, जिसे आप 600 बीसी के आसपास कहते हो। कुल 16 महाजनपदों का उदय होता है। उन 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद का उदय गंगा घाटी में होता है और एक जनपद वो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर उदय होता है, जिसका नाम है अस्मक। बाकी 15 गंगा घाटी में है, काशी, कोसल, अंग, मगध, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे शब्द यूज कर रहा हूं गणराज्य। ये मैंने लिखा है गणराज्य। ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से कुछ में राजतंत्र था, माने मोनार्की था, और कुछ गणतंत्र थे, माने रिपब्लिक थे। रिपब्लिक में सबसे महत्वपूर्ण रिपब्लिक गणतंत्र जो था वो था वैशाली, और वैशाली के एक गणराज्य के रूप में था, संघ के रूप में था लिच्छवी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। तो महामाया कोलिये गणराज्य की कन्या थी। रामग्राम नाम था। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जो गोरखपुर का रामगढ़ का ताल है वो इस एरिया में आता था। इन्हीं दोनों के पुत्र थे सिद्धार्थ। ये कहानी कौन बताता है, इनके जन्म की कहानी सिद्धार्थ के, इनकी जन्म की कहानी कौन बताता है? एक मझिम निकाय है। इस मझिम निकाय से हमें इनके जन्म के बारे में पता चलता है। कहानी यह है कि महामाया ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। महामाया डर गई। यह बात उन्होंने शुद्धोधन से बताई। शुद्धोधन ने अपने दरबार के विद्वानों से यह बात बताई, इसका अर्थ जानने की इच्छा जाहिर की। तो विद्वानों ने, विद्वत जनों ने यह बात बताई कि ये सफेद हाथी
बुद्ध के प्रवेश होने का गर्भ में दो तक है। ऐसा वृत्तांत मिलता है कि महामाया गर्भवती थी तय सीमा समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो परेशान हो गई, मन विचलित हो गया। उन्होंने शुद्धोधन से अपने मायके जाने की परमिशन आज्ञा मांगी। शुद्धोधन ने कहा जाइए, और वो जा रही थी अपने मायके, तो रास्ते में लुम्बिनी में उन्होंने पुत्र को सिद्धार्थ को जन्म दिया और यह समय सीमा मानी जाती है लगभग 563 ईसा पूर्व। जन्म देने के बाद महामाया वापस आती हैं और वापस आने के 7 दिन के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया की। तो इनका पालन पोषण, तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। तब इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। बाद में शुद्धोधन ने उनको उपाधि दे दी और अब उनका नाम हो गया, उपाधि दे दिया महामाया का, तो अब उनका पूरा नाम हो गया उनकी मौसी का महामाया प्रजापति गौतमी। बच्चों, शुरुआत से ही सिद्धार्थ बहुत चुपचाप रहते थे, ना किसी से बोलना ना किसी से बात करना। तो शुद्धोधन बहुत दुखी हुए कि क्या बात है, किसी राजकाज में कोई रुचि नहीं, राज दरबार में कोई रुचि नहीं। शुद्धोधन ने फिर लोगों से चर्चा किया, पूछा कि भाई क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि कोई नहीं, शादी ब्याह कर दिया जाए।
हो सकता है कुछ सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियां आए, तो रोजमर्रा के कार्यों में, दैनिक कार्यों में रुचि लेने लगे, दरबार में भी रुचि लेने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह होता है। और विवाह होता है यशोधरा से। ऐसा कहा जाता है कि यशोधरा भी शाक्य कुल की कन्या थी। हमें किताबों में, टेक्स्ट में यशोधरा की कई उपाधि मिलती है। जैसे एक उपाधि मिलती है भद्रकच्छना, एक उपाधि मिलती है बिंबा, एक उपाधि मिलती है गोपा, गोपा बिंबा भद्रकच्छना, ये सब यशोधरा की उपाधि है। सिद्धार्थ और यशोधरा को पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र का नाम है, रखा जाता है राहुल। ये जितना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये सब आपके लिए जीएस में सवाल बन सकता है कभी भी, किसी भी एग्जाम में। अब उनतीस वर्ष की आयु तक आते आते पुनः सिद्धार्थ सांसारिक माया मोह क्रियाकलाप पुनः एक बार विमुख होने लगे। पिता को फिर चिंता हुई। सिद्धार्थ का मन बहलाने के लिए शुद्धोधन ने एक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया। तमाम उसमें नृत्य करने वाले नर्तक नर्तकी सब लोग आए। मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था, गाना बजाना। सिद्धार्थ भी कुछ देर तक बैठे रहे, फिर चले गए, सो गए। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब रात को उठे देखे, तो उन्होंने देखा ये कि अभी कुछ देर पहले जब मैं सोने जा रहा था, यही लोग इतना साज सज्जा सब अपना करके, कोई नृत्य कर रहा था, कोई संगीत बजा रहा था, कोई गायन कर रहा था, ये क्या, तमाम सब छत विछत अवस्था में पड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने देखा, सिद्धार्थ के मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट,
ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि अभी आपने देखा, थोड़ी देर बाद नहीं है, परिवर्तनशील, या इसको विशुद्ध हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्षणभंगुरवाद। ये क्या है? तो सब क्षणभंगुर है, लेस मात्र समय के लिए था, या देखकर उनका मन विमुख हो गया। और वो वापस अपने शयन कक्ष में गए, अपने पुत्र अपनी पत्नी का मुंह देखा और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिनाउंसिएशन, और बुद्धिज्म में इस घटना को कहते हैं गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। महाभि निष्क्रमण, यह हमारे लिए पीटी का सवाल है, बन सकता है। जब वो अपने राजमहल से बाहर निकले तो जब सिद्धार्थ अपने राजमहल से बाहर जब निकले तो उनको चार दृश्य दिखाई दिए, जिसे कहा जाता है फोर साइंस। जो पहला दृश्य देखा उन्होंने, या जिससे मिले, तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बुजुर्ग, ओल्ड एज पर्सन। और बुद्ध ने उस वृद्ध को देखकर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या कभी मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो बुद्ध को उत्तर मिला हां, अंदर से उनकी आवाज आई। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक रोगी से मुलाकात होती है, रोगी को देखते हैं और तब पुनः स्वयं से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी मैं भी रोगी हो जाऊंगा या होऊंगा? पुनः उनको अंदर से उत्तर मिलता है जी हाँ। और आगे बढ़ते हैं, उनको एक मृतक शरीर, डेड बॉडी मिलती है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तब सिद्धार्थ को एक सन्यासी मिलता है। वो काफी हसमुख था। इस सन्यासी को देखकर बुद्ध ने यह फैसला किया कि वह भी सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो जब इन्होंने, यहां प्रश्न यह है कि जब ये राजमहल से बाहर आए तो क्या ये अकेले थे
या इनके साथ और भी कोई था? तो आपको उत्तर मिलेगा कि जी नहीं, उनके साथ उनका घोड़ा जिस घोड़े का नाम था कंठक, और उनका अपना चैरियट था, सारथी था, जिसका नाम था चेना। कहीं कहीं कुछ किताबों में छंदक नाम भी घोड़े का मिलता और चेना का नाम माड़ भी मिलता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये चार साइन बुद्ध ने देखा तो अंतिम दृश्य जो देखा वो था सन्यासी का, जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह अभी सन्यासी बनेंगे। तो अंतिम दृश्य सन्यासी को देखने के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं सिद्धार्थ, और आगे बढ़ने के क्रम में अमोना नदी पार करते हैं। कौन सी नदी पार करते हैं? अमोना नदी पार करते हैं और अनोमा नदी पार करने के बाद एक जगह है जिसका नाम है अनुपी, फिर अनुपी आते हैं। ये वही जगह है अनुपी, जहां पर सिद्धार्थ ने अपना आभूषण त्याग दिया और अपना आभूषण अपने सारथी को दिया, और सारथी को वापस जाने को कह दिया। ये भी हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा का सवाल बन सकता है। यही अनुपी में इन्होंने 7 दिन तक तपस्या की। यही अनुपी में इन्होंने 7 दिन तक तपस्या किया। फिर अनुपी से आते हैं राजगृह की तरफ, फिर अनुपी से आते हैं राजगृह की तरफ, और यहीं राजगृह में
इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। किससे होती है इनकी मुलाकात? राजगृह में अलार कलाम से होती है। आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। ये अलार कलाम सांख्य दर्शन के दार्शनिक ज्ञाता जो भी आप कहना चाहें, और अलार कलाम से इन्होंने ध्यान सीखा। मेडिटेशन जिसे कहा जाता है, वो सीखा सिद्धार्थ ने। यहां पर मैंने सांख्य दर्शन का जिक्र किया है। आपको मालूम है कि प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छह दर्शन का उदय होता है, जिसे सम्मिलित रूप से षड दर्शन कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो षड दर्शन है, ये जो छह दर्शन है, षड संस्कृत का शब्द है। इनमें सांख्य सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, और इस सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि को माना जाता है। तो ये मैंने आपको साथ ही साथ थोड़ा सा एक फैक्ट सांख्य दर्शन के बारे में भी बता दिया। यस, विल यूज इंग्लिश, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े। जो लोग मैसेज कर रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर इंग्लिश, ठीक है, शायद हो सकता है शब्द हिंदी के ज्यादा हो गए हो। राणा, हेमंत, इंडिया चैनल, वसीम अकरम, आप लोगों के प्रश्न हैं, ठीक है, जहां दिक्कत हुई होगी बता देना। अभी तो बहुत बेसिक किया है। महाभिनिष्क्रमण का अंग्रेजी लिख दिया था रिनाउंसिएशन, गृह त्याग, ट्रांजिएंट, क्षण भंगुर। आगे से ध्यान रखूंगा इंग्लिश एज वेल। ठीक है, चैट में आप लोग रिप्लाई करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी बात आप तक जा रही। सांख्य दर्शन की इंग्लिश सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, ये सब प्राचीन भारत में संस्कृत मिलता है शब्द, कहीं पर पाली मिलता है, कहीं पर प्राकृत। अंग्रेजी शब्द नहीं मिलते, उनका हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन कुछ की व्याख्या इंग्लिश में नहीं है, वो देवनागिरी लिपि में लिखते हैं, वैसे अंग्रेजी की लिपि में लिखते हैं। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी
अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं थोड़ा बता दूं षट दर्शन के बारे में। इस षट दर्शन को कहा जाता है सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, दिस इज द इंग्लिश वर्जन। और सिक्स को बेटा संस्कृत में कहते हैं षड, और फिलॉसफी को कहते हैं बेटा इंग्लिश हिंदी दर्शन। इनमें सबसे पहला है हमारा सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी, इसको इंग्लिश में भी सांख्य लिखते हैं, सांख्य फिलॉसफी। दूसरा है न्याय, इस न्याय को भी न्याय ही लिखा जाता है। तीसरा है योग, इस योग को भी योग ही लिखा जाता है, सांख्य न्याय योग मीमांसा, मीमांसा को भी लिखते हैं मीमांसा। जब दर्शन की क्लास लूंगा तब पढ़ाऊंगा, तब आपको इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। एक को कहते हैं मीमांसा, दूसरे को कहते हैं उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और छठा फिलॉसफी है हमारा वेदांत। ये सिक्स दर्शन है जिनमें सबसे पुराना है सांख्य। गॉट इट? समझ गए सभी लोग? चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा ताकि आपकी शंका समाधान का निवारण भी लाइव होता रहे। एनीवे, तो अनुप से कहाँ आए? राजगृह। राजगृह आपको मालूम है, इनकी मुलाकात किससे होती है? अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के दार्शनिक हैं। इनसे इन्होंने सीखा मेडिटेशन। तो अगर एग्जाम में सवाल आए कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धार्थ के गुरु थे या जिससे सिद्धार्थ ने योग सीखा था, तो योर आंसर वुड बी अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अब अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये आ जाते हैं रामपुत्र। कहाँ आ जाते हैं? एक जगह का नाम है रामपुत्र, फिर रामपुत्र से आ जाते हैं उरुवेला। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, उरुवेला जगह का नाम है। यहां पर एक घटना घटती है। घटना यह है कि उरुवेला में इनको पांच ब्राह्मण मिलते हैं। उन पांच ब्राह्मणों के साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तो लिख लीजिए, अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। यह मैं क्रोनोलॉजिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी बहुत हमारे आपके भावनाओं के साथ खेलता है, दे देता है कि इसको क्रम में लगाइए, तो ये गलती ना होने पाए इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको दे रहा हूं। कहां गए, किससे मिले? उरुवेला में इनको पांच ब्राह्मण मिलते हैं और इन पांच ब्राह्मणों के साथ एक
इन पांच ब्राह्मणों के साथ, इन पांच ब्राह्मणों के साथ ये क्या शब्द लिखे, सिद्धार्थ निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर निरंजना रिवर निरंजना रिवर के तट पर तपस्या करने लगी। निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर तपस्या करने लगे। क्लियर एवरीबॉडी, जो लोग भी लाइव हैं। अब क्या हुआ कि एक सैनिक अधिकारी की बेटी थी, उस बेटी ने, बेटी का नाम था सुजाता। तो सुजाता ने इनको खीर दे दिया। अब खीर खा लिया, जब खीर खा लिया इन्होंने, जब खीर खा लिया तो पांचों ब्राह्मण नाराज हो गए। आवाज आ रही है? यहां तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो ये जो पांचों ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। वो पांच ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। अब ये अकेले तपस्या करने लगे। इन पांच ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया और कहां चले गए? ऋषि पत्तनम। कहां चले गए? ऋषि पत्तनम। अभी देखेंगे बुद्ध जी सिद्धार्थ यहीं पर पहला उपदेश देंगे। अभी मैं उनको बुद्ध नहीं लिख रहा हूं। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग भी लाइव अटेंड कर रहे हैं या बाद में देखें, अभी मैं बुद्ध नहीं शब्द उपयोग कर रहा, ना गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ सिद्धार्थ लिख रहा हूं कि ताकि आप समझ पाए कि उनको गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है। तो पांच ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया और ऋषि पत्तनम या सारनाथ चले गए। अब सिद्धार्थ अकेले, अब सिद्धार्थ अकेले ही स्वयं निरंजना के नदी के तट पर, तो उरुवेला से गया आ गए। तो अब बुद्ध खीर खाने वाली या खीर वाली घटना के बाद, अब बुद्ध खीर वाली घटना के बाद उरुवेला से गया आ गए। कहाँ आ गए? चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि गया आ गए। उरुवेला से गया आ गए। इधर देखिएगा, और इन्होंने
तपस्या शुरू की। किसने किसने तपस्या शुरू की? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू की। सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू की। उसी तरीके से जैसे आप पांच दोस्त साथ मिलकर रहते हैं, अब आप कहीं गए, खीर पूरी खाए, पार्टी वगैरह कराए, तो पांचों दोस्त नाराज हो गए कि तू ये क्या, यहां खीर पूरी खाने आए हो कि तैयारी करने आए हो, चलो यहां से, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अकेले ही अब आप अपना तैयारी शुरू किए, तो उसी प्रकार सिद्धार्थ ने भी तपस्या शुरू की और इस तपस्या का परिणाम इस तपस्या का परिणाम यह रहा कि 7 दिन बाद वैसाख वैसाख महीना है हिंदी का, जैसे अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं, 12 महीने, ऐसे हिंदी में भी होते हैं। होली के बाद जो पहला नवरात्रि होती है, वहां से हिंदी का महीना शुरू होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक, याद है? तो बैसाख, और बैसाख के महीने में दिन था पूर्णिमा। आयु 35 वर्ष में सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। क्या मिला? ज्ञान। इधर देखिए, क्या मिल रहा है सिद्धार्थ को? ज्ञान। और अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बेटा, बच्चों, इनका गोत्र क्या था? गौतम। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या था इनका गोत्र? गौतम। गोत्रा सिस्टम रेगुलर क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। राइज आप गोत्रा सिस्टम, गोत्रा एक्सोगेमी, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, गोत्र गौतम। और अब गोत्र के साथ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अतः इनका नाम सामान्यतया कहा जाने लगा गौतम बोध। है ना इंटरेस्टिंग बात? अब इनको कहा जाने लगा गौतम बोध। यहां से हो गए ये बुद्ध। बच्चों,
बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में ये जो ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को कहा जाता है निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण मतलब आपकी बात बोलचाल की भाषा में समझाएं तो इनको ज्ञान मिल गया, इनका सिलेक्शन हो गया आपका। अब आपका सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, सोचो जरा। सबसे पहले आप उनके पास जाते हो जो आपका साथ छोड़ चुके थे तैयारी के दौरान, और उनके पास पहुंचते हो और कहते हो हेलो कैसे हैं, अच्छा 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 चल रही है तैयारी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे ऐसे पढ़ो, अरे ऐसे पढ़ो, अरे ऐसे पढ़ो, और आप उनको अपना ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो की ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ आते हैं ये देखिए, बताने की जरूरत नहीं है। खीर की घटना के बाद ये पांच ब्राह्मण कहाँ आ गए थे? ऋषि पत्तनम या सारनाथ, दिख रहा है ना? मैंने मैंने इसीलिए स्लाइड बैक किया कि ताकि आप देखें कहाँ आ गए थे। ऋषि पत्तनम आ गए थे, ऋषि पत्तनम आ गए थे, ऋषि पत्तनम आ गए थे। अतः ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहाँ आते हैं? सारनाथ, और सारनाथ में उन पांच ब्राह्मणों को अपना ज्ञान देते हैं। पांच ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, पांच ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। कहाँ ज्ञान देते हैं? उस जगह का नाम है ऋषि पत्तनम। क्या नाम है? ऋषि पत्तनम, या एक और नाम है मृगदाव। क्या नाम है? मृगदाव, इन इंग्लिश ऋषि पत्तनम, इन इंग्लिश ऋषि पत्तनम, और ओआरआर मृगदाव, और इन इंग्लिश डियर पार्क। कहाँ है ये? सारनाथ में है, जहां पर पांच ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। बच्चों, हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट्स इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट सरमन। क्या कहते हैं? फर्स्ट सरमन, और प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश। हेलो एवरीबॉडी, इन बुद्धिज्म इट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये हमारे लिए सवाल है पीटी का, कि इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पाली में है, बेसिकली इसका वास्तविक नाम है धम्म चक्र प्रवर्तन, अभी बताऊंगा। त्र त्र संस्कृत का जैसे त्र है ना, त्र पुत्र, तो उसको पाली में कहा जाता है पुत्र, आधाता और फिर पूराता, जैसे पुत्र है इसको हम पाली में लिखते हैं पुत्र। धम्म, इसी को संस्कृत में कहते हैं धर्म,
आई बात समझ में? तो ये है प्रथम उपदेश। क्या है बेटा? प्रथम उपदेश। समझ गए? कोई दिक्कत? एनी डाउट? सो कहाँ मिलता है ज्ञान? अच्छा हाँ, और ज्ञान मिलता है एक पेड़ के नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ज्ञान? ज्ञान ये मिल रहा है पेड़ के नीचे। पेड़ कौन सा है? कुछ कहते हैं पीपल, लेकिन वास्तव में वो था वट वृक्ष। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब से गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो गया है ज्ञान की प्राप्ति, तो बोध गया वह वृक्ष जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया, इसको कहा गया बोधि वृक्ष। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। आई बात समझ में? और ये वही पीपल का बोधि वृक्ष है, यही वो पीपल का बोधि वृक्ष है जिसको कि शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। शशांक कौन थे? कौन थे शशांक? गौड़ शासक। कौन थे? गौड़ शासक। ये शासक कहां पर थे? बंगाल। कहां पर थे? बंगाल। और ये घटना कब की है? बात है ये 7th सेंचुरी AD की बात है, 7वीं शताब्दी की बात है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि वर्तमान समय में सबसे पुराना वृक्ष कहाँ है, द ओल्डेस्ट ट्री कहाँ है, कोई बताएगा लाइव चैट में? एनीबडी? सबसे पुराना वृक्ष कहाँ है? एनीबडी बताइए। उत्तर है, गेस करो, बंगाल के शासक ने कटवाया था, तो उत्तर होगा कलकत्ता में। इसी वृक्ष के चारों ओर किसने रेलिंग लगवाई थी? अशोका ने रेलिंग लगवाई थी। उसी रेलिंग को कहा जाता है बोधि मंडप। अगेन आई राइट, इसी बोधि वृक्ष के चारों ओर, इसी बोधि वृक्ष के चारों ओर अशोक ने रेलिंग लगवाई थी। अशोका, इन इंग्लिश अशोका प्रोनाउंस करते हैं, तो अशोका ने क्या लगवाई थी? रेलिंग। हेलो बेटा, हेलो एवरीबॉडी। अतः इस रेलिंग को बोधि मंड भी कहा जाता है। इसको बोधि मंड भी कहा जाता है। बोधि मंड भी कहते हैं। इंग्लिश में भी ये बोधि मंड ही होगा। इसको बोधि मंड भी कहते हैं। इसको बोधि मंड भी कहते हैं। इसको बोधि मंड भी कहते हैं। गलत मत करिएगा, इंग्लिश में भी इट इज बोध गया। सेम नेम वृक्ष को
बोध ट्री। अंतर यह है कि वृक्ष को ट्री कह देते हैं। लिख दिया मैंने, आगे बढ़िए। अशोका ने इसके चारों ओर क्या लगवाई थी? रेलिंग। इसी वृक्ष के चारों ओर शुंग शासकों ने पत्थर की रेलिंग लगवाई थी। इसी वृक्ष के चारों ओर शुंगा शासक ने पत्थर की रेलिंग लगवाई थी। किसकी रेलिंग लगवाई थी? पत्थर की रेलिंग लगवाई थी। आपको मालूम है मौर्य काल के बाद लेटर मौर्य काल में शुंगा पीरियड आता है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। याद है, ये वही पुष्यमित्र शुंग हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, और इनके अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित कौन थे, चीफ प्रीस्ट कौन थे? पातंजलि। कौन थे? पातंजलि वाज द चीफ प्रीस्ट इन द अश्वमेध सैक्रिफाइस ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। द सेम पातंजलि, ये वही पातंजलि है जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, टिप्पणी लिखी। ही इज द सेम पातंजलि हु रोट कमेंट्री ऑन द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक। क्या नाम था उस संस्कृत ग्रामर बुक का नाम? क्या नाम था उस संस्कृत ग्रामर बुक का नाम? अष्टाध्यायी। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ASHTADHYAYII, अष्टाध्यायी। कोई पूछे क्या है ये, तो आपका उत्तर होगा ये फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक है। दिस इज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक। किसने लिखा? तो योर आंसर वुड बी पाणिनि। किसने लिखा? पाणिनि। और इसी किताब पर टीका किसने लिखी? टीका बोले तो कमेंट्री। बता दिया मैंने आपको पहले ही पातंजलि। और उस कमेंट्री का नाम क्या है? क्या नाम है उस कमेंट्री का? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। महाभाष्य। महाभाष्य। गलत मत करना एग्जाम में आप, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे सिद्धार्थ बनते हैं। सिद्धार्थ कैसे बनते हैं? गौतम बुद्ध। और कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों ने देखी? नंबर एक, चार साइन या चार दृश्य, फोर साइन। फिर क्या देखा हम लोगों ने? गलत कर दिया, ये सेकंड है। पहली घटना है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग मीन्स महाभी निष्क्रमण। महा
भी निष्क्रमण घर छोड़ने की घटना बुद्धिज्म में कहलाती है महाभी निष्क्रमण। 1, 2, 3 क्या देखा? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति बुद्धिज्म में क्या कहलाता है? निर्वाण। क्या कहलाता है? निर्वाण। इतनी बातें हम लोगों ने देखी। फिर क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा प्रथम उपदेश। क्या देखा? प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। इतनी घटनाएं हम लोगों ने देखी। आई बात समझ में? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए कि जी हाँ, ठीक है। अच्छा, वो जो कहानी सुनते हो आप लोग या पढ़ते हो कि अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री को वृक्ष की एक टहनी लेकर, एक डाली लेकर, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, तो ये इसी जो ये बोधि वृक्ष है ना, जो आपने देखा, ये इसी बोधि वृक्ष की टहनी को लेकर, इसी की टहनी को लेकर महेंद्र, अशोक के पुत्र महेंद्र और अशोक की पुत्री संघमित्रा, ये दोनों लोग गए थे श्रीलंका के राजा तिस्स के पास। किसके पास गए थे? श्रीलंका के राजा तिस्स के पास गए थे, जिसमें एक चिट्ठी दिया था उन लोगों ने श्रीलंका के राजा तिस्स को, और उसमें बुद्ध ने, सॉरी, अशोक ने लिखा था कि हे तिस्स, मैं अब तथागत का शिष्य हो गया हूं। हे तिस्स, अब मैं तथागत का शिष्य हो गया हूं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? किसी का कोई कमेंट भी नहीं आ रहा? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? एनीवे, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी, ठीक है। अब आइए, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अब प्लेस टू प्लेस, गौतम बुद्ध अब एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण पर निकलते हैं। इस क्रम में वो सबसे पहले पहुंचते हैं राजगृह, और राजगृह का राजा है बिंबसार। बिंबसार इनको भेंट करते हैं, या उपहार देते हैं जेतवन विहार। जेतवन विहार और वेलुवन विहार। विहार का मतलब है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहने का स्थान, रहने का स्थान भिक्षुओं के। तो जेतवन विहार और वेलुवन विहार। इन इंग्लिश अगेन, जेतुवन विहार, VIHARA,
जेतवन विहार एंड एंड वेलवन विहार। क्लियर क्लियर। नाउ यहां से आते हैं और पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली की नगर वधू हैं आम्रपाली। आम्रपाली नगर वधू उपाधि थी जो बहुत विद्वान गणिका को दिया जाता था। तो आम्रपाली ने चुनौती दी गौतम बुद्ध को, शास्त्रार्थ की चुनौती दी। बुद्ध ने चुनौती को स्वीकार किया और बुद्ध ने आम्रपाली को शास्त्रार्थ में पराजित किया। फिर आम्रपाली ने उपहार स्वरूप आम्र वाटिका दान में दे दिया। उपहार स्वरूप आम्र वाटिका, वाटिका माने संस्कृत शब्द गार्डन। आम्र वाटिका आम्रपाली गिफ्टेड हर। आम्र वाटिका टू बुद्धा और नगर वधू का भी इंग्लिश नगर वधू होगा, ट्रांसलेशन मत करिएगा। इसके बाद बुद्ध कोसल देश आए। वहां से पहुंचे श्रावस्ती। ये वही श्रावस्ती है जहां पर अंगुलिमाल डाकू उनका शिष्य बनता है। आप सबने वो कहानी पढ़ी होगी कि अंगुलिमाल का मतलब जितने लोगों को मारता था उनके उंगलियों की माला बनाकर पहन लेता था, अंगुलिमाल। तो उसने बुद्ध को अपना अपशब्द कहा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। उसने कहा, अरे मैंने आपको इतने अपशब्द कहा परंतु आपने, आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध ने हंसकर उत्तर दिया कि मान लीजिए आपने मुझे कोई वस्तु दी, मैंने वह वस्तु स्वीकार नहीं की आपको, तो किसकी हुई? तो उसने कहा मेरी। तो बुद्ध ने कहा फिर गाली आपने दिया, अपशब्द आपने मुझे कहे, मैंने स्वीकार नहीं किया, किसका हुआ? तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य हो गया। यह श्रावस्ती वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा समय, व्यतीत किया गौतम बुद्ध ने, श्रावस्ती। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताइए कि आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वन वे नहीं होना चाहिए ना, इट शुड ऑलवेज बी टू वे प्रोसेस।
ठीक है, मगध को इन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। और आप सबको मालूम है कौन कौन इनके अनुयायी बने। अनुयायी का मतलब कौन कौन लोग इनके फॉलोअर्स थे। तो मगध का राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, बिंबसार, प्रसेनजीत, उदयन इनके फॉलोअर्स थे। अपने जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध हिरण्यवती नदी पहुंचते हैं और इसी नदी के तट पर है कुसिनारा। और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि चार सौ तिरासी बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्धिज्म में इस घटना को महा परि निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो कितनी घटनाएं हम लोगों ने पहले लिखा था, चार। ये बौद्ध धर्म की पांचवी घटना है, महापरिनिर्वाण 483 बीसी। ऐसा कहा जाता है कि अपने मृत्यु से पूर्व कुशीनारा में उन्होंने सुभक्ष को अपना उपदेश दिया था। सुभक्ष को अपना कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी, मल्लाज धड़। तो बुद्ध के जो अवशेष थे उसको एक
फ्लास्क में रख, डगरी में रखकर फिर उसे 8 भागों में बांट दिया गया। फिर इस भाग पर उस अवशेष को जमीन में रखकर उसके ऊपर जो संरचना तैयार की गई वो संरचना कहलाता है भूमि स्तूप। कोई भी मॉन्यूमेंट अवशेषों पर जो बना हो उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये रहा इनका जीवन परिचय गौतम बुद्ध का। तो इस प्रकार बुद्धिज्म में घटना नाम और प्रतीक इवेंट नेम एंड सिंबल घटना सबसे पहले जन्म प्रतीक है कमल गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण सिंबल है उनका अपना घोड़ा। ज्ञान मीन्स एनलाइटेनमेंट, गृह त्याग मीन्स रिनाउंसिएशन निर्वाण। सिंबल इज पीपल वृक्ष। पीपल ट्री मृत्यु महापरिनिर्वाण सिंबल इज स्तूप।
और एक और है, बीच में ज्ञान के बाद रह गया, रेड से लिख रहा हूं। प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन, धम्म चक्र प्रवर्तन एंड सिंबल इज चक्र, पहिया। वो कहते समय का पहिया घूमता, तो ये घटना है और ये हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए सवाल है। ये था बेसिक एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बेसिक है, अभी मैं एडवांस लेवल पर नहीं गया, क्योंकि अभी तो पहले जीवन परिचय के बारे में जाना जाए, कौन थे, क्या क्या घटनाएं घटी। अब हम लोग एडवांस लेवल में एंटर करेंगे एंड दैट एडवांस लेवल पार्ट टू है बुद्धिज्म का। जिसमें हम लोग करेंगे चार आर्य सत्य, फोर नोबेल ट्रूथ, डेथ सिंबल स्तूप, लिखा तो है लास्ट में सी, धर्म चक्र प्रवर्तन का चक्र है पहिया, दिस इज मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। तो चार आर्य सत्य देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध दर्शन, दर्शन, संघ, बुद्धिस्ट ऑर्डर, त्रिरत्न, पांच बुद्ध, बोधिसत्व, संगीति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ, और फिर उसके बाद संप्रदाय, और उसके बाद बौद्धिक साहित्य। ठीक है, ये एडवांस लेवल की बात है। इसे हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। हो सकता है कि दूसरा लिंक या तो बने या फिर इसी में कल कंटिन्यू करें। ठीक है।
तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आया कुछ? कठिन तो नहीं लगा ना? और आता है एक सवाल ऑन एन एवरेज, इसलिए मैंने बहुत इत्मीनान से कराया कि ताकि समझ में भी आ जाए और आप लोग अच्छे से कर लें। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और मुझे आशा नहीं विश्वास है समझ में आया होगा। ठीक है, कोड हमारा मैंने आपको बता ही दिया है। डॉक्टर विशाल टेन, जो जिस सेगमेंट में लेना चाहें वो उस सेगमेंट में जो नया बैच शुरू हो रहा है छह अक्टूबर कल से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।